वार्ड नंबर 14 के सभी पर्दानशीन मां बहनों, तैयारी कर लीजिए। इस बार भाई मोहम्मद अजीम को वार्ड नंबर 14 का कारपोरेटर बनाना है और गुलबर्गा के इस वार्ड को एक अजीम वार्ड की शक्ल में हमें देखना है, क्योंकि एक ईमानदार ही हमारी तस्वीर बदल सकता है, हमारे हौसले बुलंद कर सकता है और हमारे तमाम वार्ड में होने वाली परेशानियों को दूर कर सकता है। भाई अजीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको बताना है, सबने ये ठाना है, पतंग निशान पे ही बटन दबाना है। भाई अजीम को वार्ड 14 का कारपोरेटर बनाना है, पतंग निशान पे सब मिलकर अब बटन दबाना है। सबको बताना है, सबने ये ठाना है, पतंग निशान पे ही बटन दबाना है। भारी वोटों से इस बार इनको जिताना है, सारे मिलके पतंग निशान पे बटन दबाना है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इलियास सेठ जिंदाबाद, जिंदाबाद। पतंग निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई मोहम्मद अजीम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वार्ड नंबर 14 की आवाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राशन कार्ड बनवाएंगे, गलियों को ये सजाएंगे, घर घर पानी पहुंचाएंगे, सबको हक दिलवाएंगे। नेक है सच्चे ये अपने, अपने वार्ड के वासी हैं। एमआईएम का ये झंडा सबको मिल के उठाना है, ऐसे मसीहा को अब ना भुलाना है, इनके ही जीत का परचम लहराना है। अपने भाई अजीम को कारपोरेटर बनाना है, पतंग निशान पे सब मिलकर अब बटन दबाना है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, इलियास सेठ जिंदाबाद, पतंग निशान जिंदाबाद, भाई मोहम्मद अजीम जिंदाबाद, वार्ड नंबर 14 की आवाम जिंदाबाद। हमने जिनको जिताया था, अपना रहबर बनाया था, जीत कर वो भूल गए किस लिए उनको जिताया था। अधूरा यहाँ विकास है, उसको न कुछ एहसास है, पतंग पे बटन दबाना है, अब की सबक सिखाना है। भाई अजीम को सब कोई जिताएंगे, अब की कारपोरेटर अपना बनाएंगे, पतंग निशान पे सब मिलकर अब बटन दबाएंगे। भाई अजीम को अपना कारपोरेटर बनाएंगे, सबने ये ठाना है, सबको बताना है, पतंग निशान पे ही बटन दबाना है। भाई अजीम को अपना कारपोरेटर बनाना है, पतंग निशान पे सब मिलके अब बटन दबाना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज वार्ड नंबर 14 में डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की गई। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ मेरे तमाम वार्ड के नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरे माओं का, मेरे बहनों का, जिन्होंने
पूरा वार्ड में पैदल फिरकर डोर टू डोर जाकर मेरे हक में लोगों से वोट मांगा और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है। लोगों ने वोट के साथ साथ मुझे दुआएं भी दी। मैं सब तमाम वार्ड नंबर 14 की आवाम से उम्मीद करता हूं और गुजारिश करता हूं कि इस बार के कॉर्पोरेट इलेक्शन में आप 3 तारीख को पतंग को वोट देकर जो सीरियल नंबर 5 पे है मुझे भारी वोटों से जिताएंगे और इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, इस वार्ड की बेहतरी के लिए आप अपना वोट देंगे। मैं जितने भी वादे आप लोगों से किया हूं, इंशाल्लाह जीत के आने के बाद दूसरे दिन उन सारे वादों पे मैं काम शुरू करूंगा। मैं फिर एक बार तमाम वार्ड की आवाम से दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इलियास सेठ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, रहीम मिर्ची सेठ का शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के तमाम कैडर का, तमाम कैंडिडेट का और जो दूर बैठ के सुन रहे हैं आपके मीडिया के चैनल के जरिए से, तमाम आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जजाकल्ला खैर। असीम भाई जिंदाबाद। असीम भाई।